प्रधानमंत्री जन कल्याणकारी योजना अभियान युवा प्रभार की एक आवश्यक बैठक शनिवार को बेनीगंज स्थित भाजपा कार्यालय में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में युवा प्रभार के राष्ट्रीय महामंत्री जयघोष द्विवेदी, विशिष्ट अतिथि राष्ट्रीय उपाध्यक्ष आशीष वाजपेयी मौजूद रहे। इस दौरान मंच का संचालन जिला महामंत्री निहारिका त्रिपाठी ने किया। कार्यक्रम की शुरुआत राष्ट्रगान से हुआ, तत्पश्चात डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी एवं दीनदयाल उपाध्याय के चित्र पर माल्यार्पण कर पुष्पांजलि अर्पित की गई। दीप प्रज्वलित का कार्यक्रम मुख्य अतिथि द्वारा किया गया। इसके पश्चात मुख्य अतिथि का गोरक्ष प्रांत प्रभारी अजीत बरनवाल, विशिष्ट अतिथि का जिला अध्यक्ष गगन सहगल और प्रदेश उपाध्यक्ष का निहारिका त्रिपाठी ने माल्यार्पण कर स्वागत किया। इस दौरान बैठक में मुख्य रूप से राष्ट्रीय मंत्री जस्सी शुक्ला, प्रदेश महामंत्री सिद्ध गोयल अहिरवार, विंध्यवासिनी श्री सानंद, देवधर शास्त्री, प्रभानंद जी महाराज आदि मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज संवाददाता से बात करते हुए युवा प्रभार के राष्ट्रीय महामंत्री जयघोष द्विवेदी ने कहा, राष्ट्रीय महामंत्री द्विवेदी जी और हमारे मंचा सिंह आदरणीय सभी पदाधिकारियों को प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी की वो प्रभाग है कि हम लोग सारी सरकार की योजनाएं अंतिम व्यक्ति तक, जो हमारे श्यामा प्रसाद मुखर्जी और दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था कि हमारे सरकार की हर योजना अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे, तो उसकी अवधारणा प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना प्रचार प्रसार अभियान के द्वारा रखी गई है, जिसमें प्रधानमंत्री जी द्वारा और सरकार द्वारा चलाई गई सारी योजनाओं का सीधा सीधा जनता को लाभ मिले। तो उसके लिए हमारे कार्यकर्ता दिन रात 22 लाख कार्यकर्ता पूरे देश में लगे हुए हैं और लगभग 4 करोड़ लाभार्थियों तक अभी हम पहुंच चुके हैं, जो सीधे सीधे इसका लाभ उठा चुके हैं। लाभार्थी तो 36 करोड़ हैं अभी आयुष्मान योजना को हटा के, और आयुष्मान योजना को अगर हम लेते हैं तो 60 लाख हिंदुस्तानी आबादी को हम लोग लाभ दे चुके हैं पिछली सरकार के द्वारा। हम अपने यहाँ कार्यकर्ताओं को, यहाँ पे ये एक कार्यकर्ता सम्मेलन है और कार्यकर्ताओं को हम लोग मोटिवेट करने आए हैं, और क्योंकि हम ये चाहते हैं कि संगठन के आधार पर गांव-गांव तक और एक छोटी बस्ती तक, गरीब तक हमारी ये योजनाओं का लाभ पहुंच सके, क्योंकि जो हमने टारगेट निर्धारित किए हैं सरकार ने कि जैसे हम उज्ज्वला योजना हम पूरी लोकसभा में दे रहे हैं, कन्या सुकन्या कन्याधन शादी के लिए 51,000 रुपये हम हर लड़की को दे रहे हैं, आयुष्मान योजना के थ्रू हम 5 लाख रुपए तक का लाभ दे रहे हैं, हर तरह की योजना जो प्रधानमंत्री जी की है वो गरीब आदमी तक पहुँचे, और इस प्रांत में जो अभी थोड़ी सी जो कमी है, जो हमारी टीम यहाँ तक कम पहुँच पाई थी, वो घर घर तक पहुँचाने के लिए ये एक मेरा प्रयास है और हमारे संगठन का प्रयास है। और हमारे कार्यकर्ता पहले से ही दिन रात लगे हुए थे, लेकिन आज के बाद हमारा जो एक वर्ष में ये जो टारगेट है हमारा जो दिया गया है, जिसमें हमने हर बैंक और हर गैस एजेंसीज़ उज्ज्वला के लिए गैस एजेंसीज़ का टारगेट दिया है और बैंक को टारगेट दिया है, तो सारी योजनाओं के जरिए हमारे कार्यकर्ता इसका सुपरवाइज़ कर पाएँ, CDO से BDO से SDM से के साथ मिल के कदम से कदम मिला के काम कर पाएँ, और जो हमारी जनता के लिए जो योजनाएँ हैं वो ज़्यादा से ज़्यादा प्रधानमंत्री की जो योजनाएं हैं वो घर घर तक पहुंच पाएं, ये हमारा उद्देश्य यहाँ आने का और इस कार्यक्रम का है।